Today in class 3rd we will start our first chapter of PA 2, that is chapter number 3, addition. Okay, now addition padhne ja rahe hain. Addition kya hota hai? Combining of two or more numbers together. Jab hum do ya do se adhik number ko jodte hain, combine karte hain, to hum usi ko kya kehte hain? Addition kehte hain. 10 ones equals to 110. 10 ones. 1, 1, 1 को हम अगर 10 बार लिखते हैं तो ये हमारे कितने वंस हो गए? 10 वंस हो गए. तो 10 वंस का मतलब होता है अगर 1 को हमने 10 बार लिखा तो वो 10 वंस हुए. 10 वंस को हम 110 भी कह सकते हैं. ठीक. अब 10 टेंस. 10 टेंस का मतलब होता है 100. 10 टेंस यानी 10 को हम जब 10 बार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100. 10 बार लिखने के बाद ये हो जाएगा 100. तो हम 10 टेंस को 100 बोल सकते हैं. 10 हंड्रेड्स. 100 को अगर हम 10 बार लिखते हैं तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा लिखने में और पढ़ने में भी. तो हम 10 हंड्रेड्स को क्या बोल सकते हैं? 1000. ठीक. चलिए नेक्स्ट. ऑन एडिशन इफ जोड़ने पर अगर ए नंबर वंस एक्सीड 9. वंस जो है हमारा यानी ये जो है ये 9 नंबर से अगर ऊपर जाता है क्योंकि 9 नंबर तक क्या है कि हम एक ही डिजिट है हमारे पास. लेकिन जब भी ये 9 नंबर से ऊपर यानी 10 होता है 11 होता है एंड सो ऑन तो हम क्या करेंगे? वंस एक्सीड 9 अगर 9 से ऊपर जाता है तो चेंज देम इनटू टेंस. हम किस में बदल देंगे? टेंस में बदल देंगे. ठीक. आप नेक्स्ट पे आते हैं बी. टेंस एक्सीड 9. इसी तरीके से टेंस ये जो हमारा टेंस है अगर ये 9 को एक्सीड करता है ठीक तो हम क्या करेंगे? चेंज देम इनटू 100. हम 100 में इसको चेंज कर देंगे. ठीक. इसी तरीके से 100 भी है अगर 100 एक्सीड करेगा 9 को तो चेंज देम इनटू 1000. तब हम उसको किस में बदल देंगे? 1000 में बदल देंगे. अब नेक्स्ट. द सम ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज इफ देयर ऑर्डर इज चेंज. ऑर्डर का मतलब होता है कि ये देखिए हमारे एक ऑर्डर में हम एडिशन करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी कुछ भी एडिशन कर देंगे. नहीं, एक हमारा सिस्टमेटिक वे होता है कि हमें किस तरीके से एडिशन करना है. तो ये हमारा हम इसको एग्जांपल से समझते हैं. अगर इस 2 को हम यहाँ पे कर दें और इस 3 को हम ऊपर कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसके ऑर्डर को क्या किया? चेंज कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया. लेकिन हम इसका ऑर्डर इसका तीनों नंबर का जो हमारे 3 डिजिट के नंबर दिए हैं इनका हम 513 को अगर ऊपर कर दें और 342 को नीचे कर दें तो हमारा ये जो सम है ये क्या होगा? ये चेंज नहीं होगा. वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे एग्जांपल में देखिए ये 2 हमारा 2, 3, 1 की प्लेस पे है, ये 10 की प्लेस पे और ये 100 की प्लेस पे. जो 2 नंबरों को हम जोड़ते हैं आपस में उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एडेंट्स कहते हैं. ठीक. और जोड़ने के बाद जो उसका आंसर आता है ये इसका आंसर आया. जैसे 2 + 3 को हमने जोड़ा तो क्या हुआ? 5. तो हमारा ये 5 क्या है? ये जो हमारा 855 जो हमारा आंसर आया है ये हमारा क्या है? इसको हम सम बोलेंगे. यानी जो 2 नंबरों को हम जोड़ेंगे उनको हम एडेंट्स बोलेंगे और जो जोड़ने के बाद उनका आंसर आएगा उसको हम सम बोलेंगे. यही यहाँ पे कहा गया कि अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे कर देते हैं तो हमारे इस पे सम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा. फर्स्ट एड वंस नेक्स्ट टेंस एंड देन 100. जब हम कोई भी एडिशन करते हैं तो सबसे पहले हम वंस की प्लेस को जोड़ते हैं, फिर टेंस की प्लेस को, फिर 100 की प्लेस को. अगर हम इसको यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, पहले 100 जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, तो ये गलत है. जब भी हम कोई एडिशन करेंगे तो सबसे पहले हम 1 की प्लेस पे जो नंबर है उसको जोड़ेंगे, फिर 10 की प्लेस के नंबर को जोड़ेंगे और फिर 100 की प्लेस के नंबर को जोड़ेंगे. ठीक. अब आते हैं हम अपनी बुक की पहली एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3.1. देखिए 3.1 में दिया है ऐड, जोड़िए. क्या जोड़ना है हमें? इसका पहला क्वेश्चन है ऐड का. 254 और 345 इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ के इसका सम निकालना है. तो चलिए हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं. 4
दोनों क्या होगा, 9 ही होगा, फिर 3 + 2 = 5। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सम, और ये हमारे दो क्या है, ये दोनों हमारे एडेंड्स एडेंड्स। ठीक, अब आते हैं एक्सरसाइज, अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है एक्सरसाइज 3.2। इसमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ, इसका मतलब हमें दो एडेंड्स दिए हुए हैं और हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक, दो एडेंड्स का हमको सम निकालना है, तो चलिए हम दो एडेंड्स का सम निकालते हैं। सबसे पहले हम वंस के प्लेस को जोड़ेंगे, तो 1 + 5 कितना होता है, 6, तो हम लिख देंगे 6। फिर टेंस के प्लेस को 6 + 2 = 8। फिर हंड्रेड्स के प्लेस को जोड़ेंगे, तो 4 + 2 = 6। अब 1000 या 4 डिजिट का नंबर है, तो इसमें 1000 की प्लेस भी आएगी। ठीक, तो अब हम 1000 की प्लेस को जोड़ेंगे सबसे लास्ट में, तो 2 + 5 कितना होगा, 7। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सम। हमें ये दो एडेंड्स दिए हुए थे और हमें इससे क्या निकालना था, हमें इससे ये सम निकालना था। ठीक, बाकी के क्वेश्चंस आप स्वयं से करिएगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम आपको समझा रहे हैं, आप उसका आंसर कैसे करोगे वो हम बताते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 2, 4, 2, 5। ये देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल है उसमें छात्रों की संख्या कितनी है, 2425 एंड 3573। और एक दूसरा स्कूल है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या है 2425 और एक दूसरा स्कूल है, अनदर स्कूल है, उसमें कितनी संख्या है स्टूडेंट्स की, 3573। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द टू स्कूल, इन दो स्कूलों में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये हमें निकालना है। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम अपनी कॉपी में पहले क्वेश्चन उठा लेंगे, उसके बाद ऐसे सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक, सोल्यूशन लिखने के बाद हम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड ऐसे लिख देंगे। फिर पहले स्कूल में कितने बच्चे थे, 2425, तो हम ऐसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्कूल में, दूसरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, 3573 लिख देंगे। ये हमारे दोनों क्या हो गए, ये हमारे दोनों एडेंट्स हो गए। ठीक, ये पहले स्कूल के बच्चे हैं और ये दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें जोड़ के इनका सम निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, सम निकालना है। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 + 3 = 8, 7 + 2 = 9, 4 + 5 = 9 और 2 + 3 = 5। अब दोनों को हमने जोड़ दिया, क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है कि आप हमको इन दोनों को जोड़ के बताइए। तो इनका सम आ गया 5998। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों स्कूल में कितने हुए, इन दोनों को मिला के, दोनों स्कूलों को हमने जोड़ दिया, तो दोनों स्कूल को मिला के जो हमारे स्टूडेंट्स हुए वो कितने हुए, 5998। आइए स्टूडेंट्स, अब हम हमारे एडिशन के अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है एडिशन चेंजिंग वंस। जब हम वंस की प्लेस में, वंस जो है, वंस की प्लेस जब 9 को एक्सीड करेगी, यानी 9 के ऊपर जाएगी, तब हम क्या करेंगे, कैसे करते हैं। तो एग्जांपल है आपका, ऐड 4537 एंड 3455, ये हमारे दो एडेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें इसका क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो, इन नंबरों को वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड की प्लेस पे पुट कर देंगे। ठीक, देखिए हमने यहाँ पे 4537 और 3455 को वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड की प्लेस पे पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसको जोड़ेंगे, वंस की प्लेस को जोड़ेंगे। तो 7 + 5 कितना होता है, 9 से ज़्यादा होता है, यानी जो हमारी वंस की प्लेस है वो क्या हो रही है, 9 को एक्सीड कर रही है, यानी 9 को क्रॉस कर रही है, 12 आ रहा है। तो 12 को हम पूरा ऐसे 12 नहीं लिखेंगे, अगर हम पूरा ऐसे 12 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, इसका जो ये 10 है इसको यहाँ पे हम सिर्फ 2 लिखेंगे और बाकी का जो 10 बचेगा उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरी करेंगे। ठीक, तो इस 10 को हम ऐसे 12 ना लिख करके यहाँ पे सिर्फ हम 2 लिखेंगे और ये जो 1 है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे कैरी कर लेंगे, ये 10 से ऊपर। ठीक,
तो अब हम जोड़ते हैं 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 कितना होता है, 8 होता है, प्लस ये वाला 1 भी जोड़ देंगे, तो 3 प्लस 5 8 और प्लस 1 कितना हो गया, 9। तो लिख देंगे यहाँ पे 9। अब इसको जोड़ते हैं 100 की प्लेस को 5 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 कितना होगा, 9। 9 लिख देंगे। अब 1000 की प्लेस पे तो 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 क्या होता है, 4 प्लस 3 7, तो हम लिख देंगे 7। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा सम आ गया। ये तो मंथ्स की प्लेस का हो गया। अब हम आते हैं टेंस की प्लेस पे। ठीक, जब टेंस की प्लेस 9 से ऊपर होगी तो हम क्या करेंगे, देखिए एग्जांपल, ऐड 2348 एंड 3491, ये तो हमारे एडेंट्स दिए हैं, इनका हमको सम निकालना है। ठीक, तो ऐसे करेंगे, वंस टेंस 100,000 ऐसे लिख देंगे, फिर इन नंबरों को इसमें पुट कर देंगे, पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100,000। ठीक, अब इनको ऐड करते हैं। चलिए वंस की प्लेस को सबसे पहले ऐड करते हैं, तो 8 प्लस 1 कितना होगा, 8 प्लस 1 होता है 9, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। अब देखिए टेंस की प्लेस को ऐड करते हैं, तो 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना होगा, 13। अब देखिए ये जो टेंस की प्लेस है इसमें क्या हो रहा है, 9 को एक्सीड करिए, यानी 9 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो यहाँ पे, अब हम इसको अगर 13 यहाँ पे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसका जो ये 1 है इसको हम क्या कैरी कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 रहेगा, फिर हम 100 की प्लेस को जोड़ेंगे, तो 3 प्लस 4 कितना होता है, 7 होता है, 7 प्लस इसका 1, 7 प्लस 1 8 8 हो गया। अब 1000 की प्लेस को, तो 1000 की प्लेस पे 2 प्लस 3 कितना होगा, 5। ये देखिए हमारा सम आ गया। ठीक, अब हम आते हैं 100, अगर जो 100 की प्लेस होती है अगर ये 9 से ज़्यादा होती है, एक्सीड करती है 9 को, तो हम कैसे करेंगे, ऐड 2624 एंड 4572, इसको ये दो एडेंट्स दिए हैं हमारे, इन दो एडेंट्स को पहले हमें इन प्लेसेस पे 1 टाइम्स 100,000 की प्लेस पे पुट करना है, इसके बाद हमें इसका सम निकालना है। तो चलिए इसको हमने पुट कर दिया। अब सबसे पहले वंस की प्लेस को जोड़ेंगे, तो 4 प्लस 2 कितना होगा, 4 प्लस 2 6, फिर 7 प्लस 2 7 प्लस 2 9, अब 6 प्लस 5 कितना होता है, 11 होता है। तो देखिए अब हम ऐसे 11 तो लिख नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा, तो हम इसका वन क्या करेंगे, इसके वन को हम 1000 की प्लेस के ऊपर कैरी कर देंगे। ठीक, अब फिर 1000 की प्लेस को जोड़ेंगे, 2 प्लस 4 कितना होगा, 2 प्लस 4 होता है 6, 6 के साथ प्लस के बाद 7, ये हमारा सम आ गया। अब एडिशन, एडिशन मिसलेनियस का मतलब होता है जिसमें वंस पे भी 9 एक्सीड करेगा, टेंस पे भी और 100 पे। ठीक, इन सब को मिला के ये बना हुआ, मतलब इसमें हमें सब में कैरी करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ, हमें दो एडेंट्स दिए हैं ये, इनका सम निकालना है। ठीक, ये एडेंट्स है हमारे, हमें इनका सम निकालना है, तो 4343 और 3898 को हम 1 से 100,000 की प्लेस पे पुट कर देंगे, फिर इसे इन्हें जोड़ेंगे, तो 8 प्लस 3 कितना होगा, 11, तो हम यहाँ पे 11 तो लिख नहीं सकते, तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरी कर देंगे टेंस की प्लेस पे। ठीक, अब टेंस की प्लेस को जोड़ते हैं, तो 4 प्लस 9 कितना होगा, 13 और इसका ये प्लस 1 14, तो 14 का वन यहाँ पे कैरी। ठीक, अब हम आते हैं, अब हम 100 की प्लेस को जोड़ते हैं, 8 प्लस 3 कितना होगा, 8 प्लस 3 होगा 11, 11 के साथ प्लस 1 ये, तो ये हो जाएगा 12 तो लिख नहीं सकते, तो वन यहाँ पे कैरी कर देंगे। अब 1000 की प्लेस को जोड़ेंगे, तो 4 प्लस 3 7, 7 और प्लस 1 8, ये हमारा आ गया सम। ठीक, बाकी के सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज आपको सबसे पहले अपने बुक में फिल करना है, इसके बाद आपको कॉपी में उसको सबके चार चार सम आपको कॉपी में करने। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं एडिशन के। एडिशन का नेक्स्ट पार्ट है मोर देन टू एडेंट्स, जब हमको दो से ज्यादा एडेंट्स दिए हो। अभी तक हम दो एडेंट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, अब जब हमको दो से ज्यादा एडेंट्स दिए होंगे तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इसका
ये कितने एडेंट्स हो गए, एक दो तीन चार, चार एडेंट्स दिए हुए, ठीक। तो अब हम चार एडेंट्स को पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड की प्लेस पे पुट करेंगे। ये देखिए हमने पुट कर दिया, सबसे पहले 2648 को, फिर 772, ऐसे पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब 772 को अगर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दोगे तो यहीं तक आएगा, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, वो गलत है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक। अब 34 ये टू डिजिट का नंबर है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये वन डिजिट का है तो यहाँ से। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे बना लेंगे, ऐसे कॉलम में इसको लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर सबसे पहले वंस की प्लेस को हम ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं, 8 8 + 2 कितना होगा, 10, 10 + 4 14 14 + 5 19। तो 19 का क्या करेंगे, 9 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे, ठीक। अब हम टेंस की प्लेस को ऐड करते हैं, तो 4 + 7 कितना होगा, 11, 11 + 3 कितना होगा, 14, 14 और 1 15, तो 15 का 5 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ कैरी कर देंगे, ठीक। अब हम 100 की प्लेस को ऐड करते हैं, तो 6 + 7 कितना होगा, 13 और प्लस ये 1, 13 + 1 14, तो 14 का 4 यहाँ और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक। अब 1000 की प्लेस बची, तो 2 + 1 कितना होगा, 3। तो हमारा सम क्या आ गया, हमारा सम आ गया 3459, ठीक। जब हमारे पास दो से ज़्यादा एडेंट्स होंगे तो पहले उसको कॉलम में लिखेंगे, उसके बाद हम सबको ऐड कर देंगे, ठीक। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन के कुछ नियम भी होते हैं। देखिए सबसे पहला है ऑर्डर प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, द सम ऑफ टू और मोर एडेंट्स इज द सेम इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, ऑर्डर का मतलब होता है जैसे हम इसको 775 को नीचे कर दें और 205 को ऊपर कर दें, तो ये क्या हुआ, हमने इसके क्रम को बदल दिया, चेंज कर दिया, लेकिन तब भी इसका जो सम आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो सेम ही रहेगा, उसमें चेंज हम नहीं करेंगे। जैसे देखिए ये कोई सामान है जो 775 रुपये का है और एक दूसरा सामान है जो 205 रुपये का है, इन दोनों को क्या करना है, दो एडेंट्स दिए हमें, दोनों को हम पहले कॉलम में लिखेंगे वन स्टेंस हंड्रेड के, फिर ऐड कर देंगे, तो वंस की प्लेस को 5 + 5 कितना होगा, 10, तो 10 का 1 यहाँ पे कैरी। अब टेंस की प्लेस को 7 + 1 8, फिर 7 + 2 9, ठीक। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि हम इनके क्रम को अगर चेंज भी कर देते हैं तो इनके सम में कोई अंतर नहीं आएगा। अब दूसरी है जीरो प्रॉपर्टी, ठीक। When zero is added to a non-zero number, मान लीजिए एक जीरो नंबर है, जीरो नंबर, ठीक, ये जीरो, ये एक नंबर है हमारा, मान लीजिए कि दूसरा नंबर हमारा है 15, ये जो हमारा नंबर है ये जीरो नंबर है, ये नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर का मतलब कि इसमें जीरो नहीं आता, तो जो हमारा नॉन जीरो नंबर होता है चाहे इसको ऊपर भी कर दें नीचे भी कर दें फर्क नहीं पड़ेगा कोई, ठीक। ये तो आपने इसमें पढ़ी चुके हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी में, तो व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नॉन जीरो और अ जीरो नंबर और अ नॉन जीरो नंबर इज एडेड टू जीरो, द सम इज द नॉन जीरो नंबर, इसका जो सम आएगा, इसका जो सम, ये देखिए इसका जो सम आया, ये दो एडेंट्स हैं, इसका जो सम आया वो क्या होगा, वो नॉन जीरो नंबर होगा। नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है जिसमें जीरो नहीं होगा, वही उसका सम। तो देखिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.8, इनसे आप इन दो चीज़ों को सही से समझ जाएंगे। तो एक्सरसाइज 3.8 ए नंबर का पहला क्वेश्चन है, 2564 + 4313, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी का सम है, ठीक। इसमें क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया ऑर्डर को, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2564 पहले आ रहा है और 4313 बाद में आ रहा है, फिर इक्वल्स टू का साइन लगा है, फिर 4313। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या हुआ कि 4313 पहले आ गया और बाद में क्या आना था, बाद में क्या आएंगे, तो बाद में ये बचा है तो हम इसको यहाँ बाद में लिख देंगे। तो ये जो ब्रैकेट बना हुआ है इसमें हमको क्या लिखना है, जो यहाँ का जो नंबर है वो यहाँ पे हम लिख देंगे 2564। इसके ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे 2564 पहले आ रहा था और
नहीं समझ में आता आप हमसे कंप्लेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।